धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या था? आप यहाँ धरना प्रदर्शन करते थे, क्या कारण था आप धरना प्रदर्शन करने का? कारण ये था कि अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद अकरम नूरी हुआ और हम लोग का कारण ये था कि हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कारण ये था कि जो हमारे जो संस्कृति है और जो हमारा वो कानून है आज खतरे में है और जो खतरे पे हैं इसलिए हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं गरीबों के हित में, पढ़े लिखे लोगों के हित में, जिनको जॉब तक नहीं मिल रही है उनके हित में आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें पकड़ के फौरन अंदर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आवाज़ उठाए थे ताकि उनका हक दिया जाए। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि साझा विरासत भी हमारे इसमें जुड़ा हुआ है। साझा विरासत के जो हैं शरद यादव जी, अलन अनवर जी, उनके सदस्यता रद्द की जा रही है, उनको सांसद से निकालने की बात कर रही है। हालांकि सही बात यह है कि सांसद में आज कोई ऐसा नेता नहीं है, ऐसा एमपी नहीं है जो सही बात कर सके। जो सही बात के कर रहा है उसे निकाला जा रहा है। और सही बात है कि जो आज हिंदुस्तान में सही माने में जो किसी नेता की परिभाषा बताने वाला कोई है तो ये शरद यादव हैं, अली अनवर जी हैं, और सेकुलरिज्म का कोई पाठ पढ़ाने वाले हैं तो यही दोनों जात हैं। पढ़ा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, गरीब के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो मुसलमानों के नाम पर, जात पात के नाम पर, भेदभाव के नाम पर जो किया जा रहा है मुसलमानों के साथ या हर छोटे बड़े वर्ग के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरह भेदभाव ना दिया जाए। अगरचे हिंदुस्तान गंगना जमनी तहजीब है तो उसको बरकरार रखा जाए। जब तक हमारा साझा विरासत पर हमला नहीं हुआ था तब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाए थे। गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, हर वर्ग के लोग अच्छे थे, खुशहाल थे, उन्हें तकलीफ़ नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाए थे। लेकिन जैसे उन पर हमला हुआ है तब हम लोग आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिए हैं और ये आवाज़ उस वक्त तक बुलंद करते रहेंगे जब तक उनका हक न मिल जाए, तब हिंदुस्तान में रहने वाला हर छोटा बड़ा नागरिक सही सलामत ना रहे, अमन के साथ चैन के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारता है, तब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। पुलिस चाहे हमें जहाँ भी केस करे, जहाँ भी हमें अंडर कर दे, फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे लेकिन हमें जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन कोई हमें साथ कोई ऐसा मत नहीं किया, बड़ा अच्छा व्यवहार किया गया। फिर हमें जो मतलब लिखा पड़ रही था, हम लोग का नाम वगैरह लिख कर फिर हमें छोड़ दिया गया। इस वजह से आज हम प्रोटेस्ट किए।